अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का नाम यदि कुछ और कर दिया जाए तो भी खुशबू तो गुलाब की ही आएगी। वहीं तमाम प्रोडक्ट ऐसे भी आए जो बताते हैं कि नाम ही काफी है, यानी नाम में सब कुछ है, लेकिन विवाद जब देश के नाम को लेकर खड़ा हो जाए तो बात ही कुछ और है। वह भी तब जबकि 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में देश का नाम भारत करने संबंधी याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि संविधान के प्रारूप के दौरान संविधान सभा में देश के नाम को लेकर काफी बहस हो चुकी है। काफी विचार विमर्श के बाद ही अनुच्छेद 1 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। लिहाजा देश को इंडिया की बजाय भारत कहने की जरूरत नहीं है। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। दरअसल संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब एक बार फिर से इंडिया बनाम भारत को लेकर बहस शुरू हो गई है। ये बहस क्यों हुई और केंद्र की भाजपा सरकार विशेष सत्र को क्यों बुला रही है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं हैं। देश का नाम अब इंडिया की बजाय भारत हो जाएगा, इस बात के संकेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से मिल रहे हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, इसके बाद G20 समिट के और नए आईडी कार्ड सामने आए, इनमें इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा गया है। इतना ही नहीं, आसियान समिट में जुड़े फंक्शन नोट्स पर नरेंद्र मोदी के साथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। जाहिर है कि इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि यह सब ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है और उसने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि अगर कल को विपक्षी गठबंधन भारत नाम रख लेता है तो क्या भारत का नाम भी बदल दिया जाएगा। इंडिया बनाम भारत को लेकर जैसे ही बहस शुरू हुई इतिहास के पन्ने पलटे जाने शुरू हो गए। सवाल उठ रहा है कि इस देश को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा, क्या है ये नाम अंग्रेजों ने दिया है। जैसा कि मंगलवार को बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों ने दिया है और इससे मुक्ति पाने की जरूरत है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। इतिहास बताता है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीकों ने किया था। ईसा से 5वीं सदी पहले जब ग्रीक वासी सिंधु नदी के किनारे आए या फिर जब फारस के लोगों से उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने सिंधु नदी के पार के लोगों को इंडस कहा। दरअसल ग्रीक सिंधु पार के रहने वाले लोगों को हिंदस कहना चाहते थे। सिंधु नदी के इस ओर रहने वाले लोगों को हिंद, हिंदू, हिंदुआन, हिंदुस जैसी संज्ञाओं से बुलाया जाता था। इसी सिंधु से हिंदू शब्द प्रचलन में आया और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ये बात हड़प्पा सभ्यता के समय की है। कुछ सौ सालों बाद जब ग्रीक और यूनानी अपने सैन्य अभियान के दौरान भारत की ओर आना चाहते थे तो उन्हें सिंधु नदी को पार करना था। अब ग्रीक पहले जिन लोगों को हिंदस कहते थे उसे उन्होंने इंडस कहना शुरू कर दिया। सिंधु नदी को ही यूनानियों ने इंडस कहना शुरू किया। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। सिंधु नदी का इंडस का नाम भारत आए विदेशियों ने रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि इंडिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। उसने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर जो किताब लिखी उसका नाम इंडिका रखा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह लंबे समय तक पाटलिपुत्र में रहा। उस वक्त इस देश में हिंद, हिंदवान और हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। उनके ग्रीक स्वतंत्र के अनुसार इन शब्दों के लिए इंडस इंडिया जैसे रूप ग्रहण किए। फिर भारत के लिए यूनानी इंडिया शब्द प्रयोग करने लगे। अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। 1498 में भारत के लिए वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के बाद यूरोपियों का जत्था भारत के तट पर आने लगा।
इसके बाद भारत आने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच आदि ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। इस दौरान अंग्रेजों की जानकारी में आया कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है। इस इंडस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया भी कहते हैं। तभी से उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे इस नाम से लोकप्रिय हो गया। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने लोकप्रिय जरूर किया, लेकिन उन्होंने मौलिक रूप से यह नाम भारत को नहीं दिया था। भारत को यह नाम ग्रीक ने दिया था। इसके अलावा समय समय पर भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यार, फेग्योल, तियाझनु, होडो आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। वैसे भारत शब्द संस्कृत यह अग्नि को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। यह भी प्रचलित है कि देश का नाम भारत भरत के नाम पर ही पड़ा है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।